दुनिया जिस पद्मावत को देखना चाहती है उस पद्मावत से मिलाने के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं। एक शाम दीपिका पादुकोण के नाम, अरे रुके रुके, यहाँ पर दीपिका पादुकोण के साथ हिना खान भी है। अब वैसे तो इस रेड कार्पेट की शान बड़े से बड़ा बॉलीवुड का सितारा बना, लेकिन आजकल जहाँ बॉलीवुड के सितारे होते हैं वहाँ पर हमारे छोटे पर्दे की बहुएं भी तो होती हैं। I'm wearing Alpana Neeraj today and I just loved this new attire of mine. I'm just loving the entire look. Every time मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ, नई चीज़ करूँ, and I am so thankful to HT that it's paying off finally. What I'm doing as वो एक होता है, you know, you've played a Bahu for 8 long years and वो stereotype image break करके to become stylish. गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी और उस पर ये गोल्डन हार है, सच में दीपिका आपको देखकर कहना पड़ेगा कि इंडियन ब्यूटी कुछ ऐसी ही होती है। आई थिंक नाउ इट्स रियली टाइम फॉर अस टू सेलिब्रेट एंड यू नो See the film, I think, do wonders at the box office now. तो वही दूसरी ओर हिना खान मोस्ट स्टाइलिस्ट अवार्ड जीतने के लिए आई थी, तो उन्होंने ये अवार्ड जीत भी लिया। Television's most stylish award, female. So ये मुझे मिला है एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ऑनर्ड। थैंक यू एच टी, एज आई सेड आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शाहिद और मीरा के पास। ये पति पत्नी हाथों में हाथ थामे आए। अब मीरा, आपने शाहिद का हाथ इतनी जोरों से पकड़ा हुआ है, डरिए मत, शाहिद आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेरी वाइफ जो है, शी वाज अ ह्यूज सपोर्ट फॉर मी। उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा कि शाहिद जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड मैंने वही कोशिश की है 1.5 साल। मेरे लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। वैसे इस रेड कार्पेट पर खिलाड़ी कुमार, अक्षय और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी पहुंची। A woman must always be classy and fabulous and I really hope I'm getting the award because they think that. So yeah, it's always nice to get an award और मुझे बहुत खुशी है कि The jury thought that I deserve it. सोनाक्षी सिन्हा और वरुण धवन को देखिए, लगता है इस अवार्ड फंक्शन में आने के लिए इन दोनों ने कलर कोऑर्डिनेट किया था। अलग कौन सा कलर पहन रही हो? हम लोग ने सेम वही जुड़वा। जुड़वा कलर है। 3 अब भी स्टाइल अवार्ड है तो यहाँ पर स्टाइल गर्ल भी तो पहुँचेंगी, फिर चाहे सोनम कपूर हो या हो कृति सेनन, तापसी पन्नू हो या हो परिणीति चोपड़ा, हर कोई आया अपना स्टाइल दिखाने के लिए इस रेड कार्पेट पर। नॉट ओनली माय स्टाइलिस्ट बट आल्सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने स्टाइलिस्ट के साथ बात करें और आपका स्टाइलिस्ट आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा समझे। एक नई डिज़ाइनर है ह्यूमी निल्सन करके और मेरी जो बहन है उनकी टीम ने ये डिज़ाइनर मुझे पसंद आया, इसे मैंने पहना है। अब कहते हैं ना, कोई भी रेड कार्पेट हो, अगर उस रेड कार्पेट में रेखा ना आए तो वो रेड कार्पेट थोड़ा थोड़ा अधूरा लगता है, लेकिन कोई नहीं, इस रेड कार्पेट की शान को पूरा करने के लिए रेखा यहाँ पर आई थी। गोल्डन साड़ी में हमेशा की तरह वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ ऐसी थी एक शाम सितारों के साथ। उम्मीद करते हैं इन सितारों का स्टाइल आप भी जरूर अपनाएंगे। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।